हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा था कि हमने पूरा फ्रेम बना के कंप्लीट रख लिया था। इस वीडियो में आपको पल्ले की पूरी जानकारी मिलेगी, इंजेस कैसे लगाया, इसका हैंडल कैसे लगाया। आप देख पा रहे होंगे हमने पूरा होल मार के कंप्लीट करके रखा है, रबड़ वगैरह लगा के। यह हैंडल का सामान है, कुछ इस प्रकार से अंदर लग जाता है, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम हैंडल लगा रहे हैं, हैंडल को हम लेफ्ट राइट भी बना सकते हैं खोल के। इसको सेंटर में करके हम एलंकी वाला स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे इसका फुल। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, लॉक होता है, खुलता है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। जैसे हमको लेफ़्ट चाहिए तो ऐसा करना है, राइट चाहिए तो फिर इसको घुमाना पड़ता है, वो आपको हम अलग से वीडियो बना के दे देंगे। अभी हमने इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया है चारों साइड, आप देख पा रहे होंगे डिग्री कितना बेहतरीन है इसका। अभी हम इसका इंजेस लगाएंगे। इंजेस लगाने से पहले हम रबड़ को कटिंग करेंगे इंजेस के माप से। आपको जो कुछ ना समझ में आए आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे अलग से। अभी हम इंजेस को सेट करके टाइट कर देंगे पूरा। कुछ इस प्रकार से हमारा इंजन लग जाएगा। अभी हम इसको इंजन में फंसाएंगे, फ्रेम के इंजन में कुछ इस प्रकार से फंसेगा ये। थोड़ा टाइट है तो इसको हम थोड़ा ठोक ओक के डाल देंगे। अभी हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गैप देखना है, दोनों साइड सेम सेम करके फुल टाइट कर देना है इंजन को कुछ इस प्रकार से। अभी ये हमारा सही हो चुका है। ये हैंडल का सामान है जिसको हम अभी लॉक करेंगे, कैसे लॉक होता है दिखाएंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले हम पेंसिल से मार्क उठाएंगे, उसके बाद में एल्युमिनियम में लगा के टाइट कर देंगे, उसमें खांचा बना रहता है, उसी में जाके टाइट हो जाता है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि सही है या नहीं सही है। तो सही है, एकदम सही से लग जा रहा है। यह स्टैंड का सामान है जिसको हम पल्ले में डालेंगे, छोटा छोटा पीस रहता है, दो पीस। इसको अभी हम फ्रेम में बिठा कर एलंकी से टाइट कर देंगे। स्टैंड में राउंड एक होल बना रहता है, उसको उसमें खांचे में बिठा के उसके बाद में इसको लॉक कर देते हैं, उसके बाद एलंकी से टाइट कर देते हैं कि नीचे ना जाएगी, हमारा गेज बन जाएगा मतलब।
एक कि हमको इतना खोलना है, इससे ज़्यादा कम जो भी करना है कर सकते हैं, वही है लंकी से। अभी यह हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके पीछे हम जाली लगाएंगे बाद में। गिलास को हमने पहले ही डबल करके रखा था, अभी हम गिलास को डाल के उसके ऊपर रबड़ लगाएंगे। एक साइड हमने सिलिकॉन नहीं लगाया था क्योंकि गिलास डालना था, इसलिए अभी हम इसको लगा के ज्वाइंट कर रहे हैं। अभी हम चारों साइड का रबड़ काट लेते हैं, उसके बाद में डिग्री मार के लगाएंगे एक ही बार। अभी यह हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आ गए हैं साइट पे, हमको यहाँ पे लगाना है। इसका माप ही हम ही ले गए थे, हम ही बनाए हैं और हमको ही फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। ये देखिए बैठ गया है एकदम बढ़िया, सही है यानी। ये चारों साइड एलुमिनियम जो बड़ा है ये जाके बैठ जाता है, डेकोर बोलते हैं इसको। अभी हमने इसको फिटिंग कर चुके हैं और इसको सिलिकॉन मार रहे हैं चारों साइड। सिलिकॉन इसलिए लगाया है कि बारिश का पानी ना आए अंदर। आप ये जो फोटो देख रहे हैं साइड में, ये भी सेम है, बस इसको हम हैंडल की जगह पे इसको लगा के रखा है, इसको बोलते हैं दुगदा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना।